गुजरात के बड़ौदा शहर में अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर तेज रफ्तार कार की टक्कर के चलते एक छात्र की मौत हो गई थी। पुलिस ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए जो कार चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तेज रफ्तार का ये जो कहर है वो अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर आम दिनों में भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसी घटनाएं ये अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर बीते कई सालों से हो रही है, लेकिन प्रशासन ट्रैफिक विभाग की ओर से किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही है। तब इस दुर्घटना में आकाश चौमल नाम के छात्र ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद आज कई छात्रों की ओर से कैंडल मार्च के जरिए अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर आकाश को श्रद्धांजलि दी गई थी। साथ ही में इन सभी छात्रों की ओर से आकाश को न्याय मिले ऐसी भी मांग की गई थी, और जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसी भी मांग छात्रों की ओर से की गई। रहेगी कि सबको मतलब जो भी कल पंड्या है उसको मतलब सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और बस मैं यही बोलूँ कि बस उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि मेरे जो फ्रेंड है, आई लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड इन दिस, तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए जस्टिस मिले। ऐसी बहुत सारी घटना हम लोग देखते आते हैं कि अकोटा ब्रिज में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये जो दुर्घटना बनी है और आकाश और उसके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जो हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। और जिस तरीके से अकोटा ब्रिज का इस्तेमाल भी किया जाता है बाय बरोडियंस, एक अपील हम लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं तो इनका साथ देने आया हूँ, इनको पता है कि इनका एक रूममेट खोया है, इनका एक कॉलेज मेट खोया है, और उनकी फैमिली जो कि राजस्थान में रहती है उन पे क्या बीती होगी, वो तो वापस से इधर आ भी नहीं पाए। तो मैं बस एक अपील करना चाहता हूँ कि जो जस्टिस आकाश को मिलना चाहिए और बाकी के जो विक्टिम्स हैं उनको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं हमारा पुलिस सिस्टम और जुडिशरी वो जस्टिस दिलाएगी। जस्टिस से हमें हमारी तरफ से आखिर हम फोले फोल कोशिश कर रहा है कि हमें हमारा दोस्तान ने हम जस्टिस आपी सकी, राइट। अने बस आज हमारे बदा यहाँ एक हम गैदर थे, एनु एक मोटिव है कि हमारा दोस्त आकाश ने हम जस्टिस मारे। तो हम लोग का क्या है कि सर यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है, ठीक है, सबसे पहले तो वो सर धीरे होना चाहिए, धीरे चलना चाहिए। उसके बाद जो सर यहाँ पे सबसे पहले जो अड्डाबाजी होता है वो बंद होना चाहिए सर। और यहाँ पे जो ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस बता रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले जो गुजरात जो ड्राई सिटी है उसको सर ड्राई सिटी हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जब सब चीज़ हो ही रहा है, सब चीज़ आरोपी यहाँ पे छूट रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, आरोपी नहीं छूटना चाहिए सर, है ना। हम लोग जो यहाँ पे कैंडल मार्च के लिए आए हैं आज सर, जिसके लिए आए हैं आकाश के लिए सर, वो यहाँ पे हम लोग के बीच भले नहीं है, लेकिन सर उनको न्याय मिलना चाहिए।